तो दोस्तों अब यहाँ पर DPCC यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एक प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए लगी हुई है, और इस फ्रेमवर्क के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जैसे आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो अगर आप अभी से परचेस करके रखते हो तो 7 से 8 साल बाद डेफिनेटली उसकी बैटरी खत्म होने वाली है, यानी कि उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। तो उस मैसिव वेस्ट को टैकल करने के लिए इस पॉलिसी को अब बनाया जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है तो अगले साल तक इसे रोल आउट भी कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट जो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर है तो वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है पिछले 2 सालों से। इसी सिचुएशन को यहाँ पर एड्रेस किया गया है, इसके चलते अब एक काफी बेहतरीन मैकेनिज्म को डेवलप किया जाएगा फॉर रिसाइकलिंग ऑल दिस बैटरीज। अब यहाँ पर DPCC के कुछ सीनियर अधिकारी कहते हैं कि एट प्रेजेंट जो हमारी बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2020, तो उसे लाया गया था, और अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क जो बैटरी का प्रोड्यूसर है तो उसकी पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस बैटरी को वो रिसाइकल करे, जिसके चलते आने वाले समय में यहाँ पर पॉल्यूशन ना क्रिएट हो जाए। और बजट अनाउंस करने के टाइम पे भी यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर है तो वो भी काफी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नंबर है तो वो काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर कुछ आंकड़े भी बताए हैं, जहाँ पर 3 मंथ्स पहले लगभग 2621 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज किए गए थे, लेकिन पॉलिसी के बाद अब 118,482 न्यूली परचेस्ड व्हीकल्स हैं। तो ये जो शेयर है तो वो तो 0.2% से 2.21% इंक्रीज हो चुका है। तो एक तौर से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है तो वो सफल रही है। इसके साथ ही अब दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है कि 2025 तक अब ये जो टारगेट है तो वो तो एटलीस्ट 25% हो जाए। इसके साथ ही अब आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ पार्किंग स्पेस को रिजर्व किया है, जहां पर मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट होटल्स, इन सभी के पार्किंग स्पेसेस में एटलीस्ट 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग स्पेस रिजर्व रखा जाएगा। और यहां पर चार्जिंग पॉइंट्स बनाने के लिए दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत लगभग 6,000 रुपए पर चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी भी मिल जाती है। अब इंडिया के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर 2 बैटरीज का काफी भारी मात्रा में यूज किया जाता है, पहला है लिथियम आयन बैटरी एंड सेकेंड इज लीड एसिड बैटरी। तो इन दोनों को एक सेपरेट डिस्पोजल मेथड के तहत यहाँ पर रिसाइकलिंग सेटअप बनाया जाएगा, और जो भी कंज्यूमर है यानी कि ओनर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो एक बार बैटरी की लाइफ स्पैन खत्म हो जाने के बाद दे शुड कॉन्टैक्ट प्रोड्यूसर या फिर दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू गवर्नमेंट फैसिलिटी। वैसे रिसेंटली अब NGO चिंतन द्वारा एक स्टडी की गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली में अब न्यू इलेक्ट्रिक बसेस की जो फ्लीट आने वाली है तो उससे तो अकेले लगभग 21,000 टन्स ऑफ बैटरी वेस्ट जनरेट होने वाला है। तो मान लीजिए अगर दिल्ली NCR में लगभग 1400 इलेक्ट्रिक बसेस आती है बिटवीन 2021 टू 2022, तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 साल बाद यहाँ पर 14,000 बैटरी वेस्ट पैक्स जनरेट होगा, और इन सभी बैटरीज को रिसाइकल या फिर सेकेंड लाइफ देना होगा। तो इन सभी की ही प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दी गई है।